बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चे, उस दिन हमने किताब में काम किया था, ठीक है। इससे पहले हमने ग्रामर में काम किया था वाहिद जमा का, ठीक है। हमने वाहिद जमा का काम जो है ग्रामर में किया था, ठीक है। आज हम ग्रामर का थोड़ा सा आगे काम करते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइन लगानी है दरमियान में, एंडिंग लाइन लगानी है, समझ आई है। और फिर आपने क्या करना है, तारीख लिखनी है, दिन का नाम लिखना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मीम नून, मीम नून, और ये देखिए गाफ के लिए छोटी सी जगह बनी हुई है, ये लाम, मीम नून गाफ लाम गल मंगल, और गाफ के ऊपर कितने दो डैशेस है, ठीक है। फिर ये क्या है, एट आठ, जीम वो नून ज उ जू नून जून, ठीक है। 2021 जीम म अमा आयन ते जमात, जीम म अमा आयन ते जमात, ठीक है। फिर क्या है, का अका काफलीफ, का अका काफलीफ, का अका मीम काम, जमात का काम, ठीक है। फिर क्या है, उनवान ऐन नून व अवानून, उनवान मुज़क्कर। आज का हमारा उनवान क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस। क्या उनवान है, मुज़क्कर मुअन्नस। मीम ज़ाल मुज़ काफ़रे कर मुज़क्कर, मीम वो मो मो नून से मुअन्नस, मो नून से मुअन्नस, वो की आवाज़ क्या है, ओ मीम व मीम वो मो मो नून से मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। आज का हमारा उनवान क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस का काम आज हम करेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस हम इस तरह लाइन लगाएंगे और दरमियान में हम, और फिर एक साइड पे मुज़क्कर दूसरे साइड पे मुअन्नस लिखेंगे। अब पता ही ये मुज़क्कर, मुज़क्कर क्या होता है, मुज़क्कर जो है नर वो चीज़ें होती है, वो चीज़ें जो नर कहलाती है उनको क्या कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। जैसे दादा हो गए, अब्बू हो गए, नाना, ये सब क्या है, मुज़क्कर, इनको नर भी कहते हैं। जिस तरह जानवरों में शेर बिल्ला बकरा, ठीक है, बैल, ये क्या है, मुज़क्कर है। अच्छा, अब उसमें परिंदों में चिड़ा, ठीक है, इसी तरह कबूतर, ठीक है, ये सब क्या है, मुज़क्कर कहलाते हैं। अब इनके जोड़े बनाए हुए अल्लाह ताला ने ना, मुअन्नस भी मादा, मुअन्नस मींस मादा को मुअन्नस कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, मुअन्नस, ठीक है। जिस तरह आपकी अम्मी है ना, तो आपके अब्बू भी है ना, तो ये एक जोड़ा बन गया ना, अम्मी अब्बू, ठीक है। तो अब्बू का मुअन्नस क्या है, अम्मी। इसी तरह दादा का मुअन्नस क्या है, दादी। नाना का मुअन्नस क्या है, नानी। ये सब क्या है, नानी दादी अम्मी, ये सब क्या कहलाते हैं, मुअन्नस कहलाते हैं। अब जानवरों में जिस तरह शेरनी बकरी बैल का क्या है, मुअन्नस गाय। अच्छा, चिड़ा का क्या है, मुअन्नस चिड़िया। कबूतर का क्या है, कबूतरी, ये कबूतरी चिड़िया। अम्मी ताई नानी दादी, ये सब क्या कहलाते हैं, मुअन्नस कहलाते हैं। तो चले आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, और आप इसके बारे में ज़रूर गौर करें इस पर, और इसी तरह समझिए कि मुज़क्कर क्या चीज़ें होते हैं और मुज़क्कर मुअन्नस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, अब्बू, अलीफ बे वो अब्बू, नंबर एक हमारे पास है अब्बू, अलीफ ब उबू अब्बू, अब्बू का मुअन्नस क्या है, अम्मी। देखिए अब ये जोड़ा बन गया एक ना, अब्बू अम्मी। फिर क्या है, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा, दाल अलिफ दा दाली दी दादी, द अदा द अदा दादा, द अदा द ई दी दादी, छोटी ये की आवाज़ ई है ना, दादा दादी। अब फिर क्या है, नाना, न अना न अना नाना, नून अलिफ, नून अलिफ से क्या बना, न अना न अना नाना, नून अलिफ नूनी नानी, न अना न इनी नानी, नाना नानी। फिर क्या है, बकरा बे काफ र अरा, बकरा बे काफ रे के साथ क्या है, अलिफ, अलिफ की आवाज़ क्या है, आ, बे काफ र अरा बकरा, बे काफ र ईरी बकरी, चोटी ये की आवाज़ क्या है, ई, ब
बकरा बकरी। अब देखिए कि लिखा कैसे है, हमने उसी तरीके से आपने राइटिंग करनी है, लिखा है उसी तरीके से करनी है। फिर क्या है, बिल्ला बेजेर बेलाम अलिफ्ला बिल्ला बेजेर लाम बिल्ला इली बिल्ली बिल्ला बिल्ली, इसी तरह आपने लिखना है। और एंडिंग लाइन फिर आखिर में ज़रूर लगाएं। नंबर एक ये क्या है, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, और फिर ये क्या है, नंबर पाँच। ठीक है, ये है आज का आपका काम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इस काम को समझ के और सही तरीके से बच्चे पढ़ा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।